दोस्तों आपको फोटो एडिटिंग के लिए दो ऐप की ज़रूरत होगी। दोस्तों इन दो ऐप के थ्रू आप अपने फोटो को काफ़ी एडवांस एडिटिंग कर सकते हैं, अपने फोटो को काफ़ी प्रोफेशनल बना सककते हैं। दोस्तों सबसे पहला ऐप है वो है स्नैपसीड। दोस्तों आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। दोस्तों आपको ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ इस ऐप के बारे में। आप यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। आप टूल्स पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे टूल्स का सभी यूज करना तो आपको आता नहीं होगा। एंड दोस्तों मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी टूल्स के बारे में डिटेल से बताऊँ तो आप इस वीडियो को कमेंट में यस लिख देना। 100 कमेंट आएंगे तो मैं आपको इस पे दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, सभी टूल्स के बारे में डिटेल बाय डिटेल बताऊँगा कि किस टूल का क्या यूज है। दोस्तों मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला फोटो मैंने इसी ऐप से यूज एडिट किया है। आप यहाँ से ब्लर कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं सभी कुछ दोस्तों यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सेव एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से सेव एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को आप हटा सकते हैं, कोई भी दाग धब्बा हो यहाँ से आप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। डबल एक्सपोजर का यूज करके आप यहाँ से दो तीन फोटो का आप ओवरलैप कर सकते हैं, आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ से आप दूसरी ऐप जो है वो है दोस्तों लाइट रूम। आप यहाँ से मैं दोस्तों इन दोनों ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दोस्तों आप यहां पे डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी आप सर्च करके इस दोनों ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे आपको लाइट रूम को ओपन करना है। डाउनलोड करने के बाद दूसरा ऐप है दोस्तों यहां पे जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हैं, या दोस्तों आप जो अपने स्नैपशीट में एडिट किया फोटो को यहां पे आपको इस ऐप में आपको अपलोड करनी होगी। यहां प्लस आइकन पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप जिस फोटो को या लाइट रूम में आप एडिट करना चाहते हैं आप यहाँ से उस ऐप फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ ऐड पे क्लिक करके इस लाइट रूम में इस फोटो को ऐड कर लेंगे। दो तीन सेकंड में यहाँ पे फोटो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप एक क्लिक में अपने फोटो में काफ़ी चेंजमेंट ला सकते हैं, बहुत स्टनिंग यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी फोटो मैं एडिट करता हूँ इसी से करता हूँ, जो भी लोग करते हैं इसी दो ऐप के थ्रू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। आप चाहते हैं कि मैं सभी टूल्स के बारे में डिटेल बाय डिटेल बताऊँ तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख देना लाइट रूम यस एंड लाइट रूम नो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्नैपसीड यस स्नैपसीड नो। जिसके बारे में 100 कमेंट आ जाएगी उसके बारे में यहाँ से आपको फुल्ली डिटेल से लेके आऊँगा अगले वीडियो, जब आपकी यहाँ पे 100 कमेंट पूरा हो जाएंगे। आप यहाँ से किसी भी कलर को सेलेक्ट करके उसकी ब्राइटनेस या कॉन्स्ट्रक्ट जो भी है सेचुरेशन आप घटा गढ़ा सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे आप स्मूथ कर सकते हैं। आपको टेम्परेचर, टिंट, शार्पनिंग, यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं जिसके एक क्लिक करके आप यहाँ से अपनी फ़ोटो में काफ़ी बहुत सारी अच्छी चेंजमेंट ला सकते हैं। आपको प्रीसेट आप बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस ऐप के अंदर भी आपको बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने फ़ोटो को काफ़ी अच्छे से एडिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी आप इस तरह से देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 500 प्रीसेट है इसमें, अभी मैंने डाउनलोड कर रखा है इस ऐप में। आप यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लेंगे लाइट रूम प्रीसेट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करके ऊपर में मिल जाएगी, आपको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।